बाल स्वर सेवा संस्थान द्वारा प्रकाशित मनोज श्रीवास्तव द्वारा रचित छठी पुस्तक तुमसे तो अच्छा है का SBI के उप महाप्रबंधक प्रकाश चंद्र बरोड़ ने एक होटल में विमोचन किया। आपको बता दें कि यह पुस्तक मनोज श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है, जो कि छठी पुस्तक है, जिसके संबंध में मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि आज के आधुनिक युग में बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम, कार्टून में उलझकर कहानियों से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए यह पुस्तक उन कहानियों की कमी को पूरा करेगा तथा उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में तुमसे तो अच्छा है में 15 कहानियां हैं। इस पुस्तक में नैतिकता भारतीय संस्कृति पर लिखा गया है, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिले। इस अवसर पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुस्तक तुमसे तो अच्छा है के लेखक मनोज श्रीवास्तव तथा SBI के उप महाप्रबंधक प्रकाश चंद्र बरोड़ ने कहा, हम अपना जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, SBI संदीप सिंह पवार साहब, सब ये प्रदान करते हैं। बचपन में हमारे दादी नानी भैया हमें सिखाते थे कहानियां, हमें जो भी जज्बा इन्होंने भरोसा है इस किताब को लिखने के लिए, उसके लिए दो लाइन और भी करना चाह रहा हूँ कि नई सिर और जज्बों की नई भाषा लिखी है हमने, नए प्रण लक्ष्य लिखे हैं, नई आशा लिखी है हमने। इस पुस्तक का बात ऊंची है, और आपसे दरखास्त, आप अपने स्थान पर बैठ। वैसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य आज सैकड़ों हजारों की संख्या में उपलब्ध है। इनमें कविता, कहानियां, नाटक, उपन्यास और बहुत सी उपन्यास में जैसे एक ही कथानक होती है, उससे कई शाखाएं निकलती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अंत में जाके एक ही होता है, उस कहानी का कोई ना कोई ऐसा सारांश जो बच्चों को कहीं अंदर तक प्रभावित करे, वे नैतिकता, चारित्रिक विकास और भारतीय संस्कृति से जुड़ पाए, यही कोशिश रही है। और इसमें जो हमारी 15 कहानियां हैं, उसमें निश्चित रूप से हमने कोशिश की है बच्चों की भाषा में उनकी जो सोच है वो सही ढंग से जो हमने लिखा है वो उसी रूप में उन बच्चों तक पहुंचे, यही कोशिश है। हमारा प्रयास यही है कि बच्चे जो अब संस्कृत के प्रभाव में थोड़ा भारतीयता से, संस्कार से दूर हो रहे हैं, उन्हें उससे जोड़ रखा जाए। निश्चित रूप से पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी कोविड के बाद एक रिसर्च हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें ये माना गया है कि जो बच्चे अपने गार्जियंस से कहानियां सुनते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता में, उनकी मानसिक विकास में, और जो बच्चे पेरेंट्स से दूर रहकर विद्यालयों में पढ़ते हैं या किसी कारण से वो उनसे उनके सानिध्य में नहीं आते हैं, तो उनके विचार में काफी गैप आया है, बहुत अंतर आया है। तो हमारी कोशिश यही है कि ऐसे पुस्तकों के माध्यम से, ऐसे पठनीय सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो अपने देश के मजबूत नागरिक बने। आदरणीय मनोज कुमार श्रीवास्तव, आज के जैसे अब संस्कृत के प्रभाव में
बच्चे कहानियों से बहुत दूर हो गए हैं और उनके अंदर जो मोबाइल चलाने की या टीवी पे प्रोग्राम कार्टून देखने की जो परंपरा है वो बहुत गहराती जा रही है। बच्चों को उनका संस्कार डेवलप हो, उनमें संस्कृति जुड़े, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से वे जुड़े रहें, यही कोशिश है इस पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक में तुमसे तो अच्छा है ये कहानी है और इसमें 15 कहानियों का संकलन है, जिसमें प्रत्येक कहानी में हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को कुछ न कुछ नैतिकता का विकास किया जाए, कुछ संस्कार डाले जाएं, यही प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। ये हमारे साथी मनोज श्रीवास्तव जी की छठी बुक पुस्तक है। मनोज श्रीवास्तव जो है वो बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं और उनकी जो कला है, लिखने की कला है, वो अद्भुत है। वो बच्चों के लिए, जो मैंने इनकी सारी 6 बुक पढ़ी हैं और इसमें इन्होंने बहुत ही बच्चों के लिए जो 15 कहानियाँ लिखी हैं वो मन को छू देने वाली हैं और बहुत ही गंभीर संदेश देने वाली हैं। इसमें इन्होंने चरित्र निर्माण, साहस, संस्कार, ये सारी बातें इसमें ढाली हैं। मैं अपनी तरफ से मनोज श्रीवास्तव जी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से अपनी लेखनी से बच्चों में और बड़ों में भी ऐसे ही प्रेरणादायी बातें बताते रहेंगे।